सुप्रीम कोर्ट में आज 370 पर समाप्त। आज हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल रखेंगे वक्फ। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की करेगी समाप्त। साबा में टोल प्लाजा मामले को लेकर एहतजाज जारी, भूख हड़ताल पर बैठे हैं लोग। साबा के मेन चौक में एहतजाजी मुजाहरा जारी, सरोड टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर अड़े हैं लोग। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे बीजेपी लीडर, कहा आवाम कर रही जायज मुतालबा। श्री बुढ़ावानाथ के लिए छड़ी पूजन, आज निकाली जाएगी यात्रा। श्रीनगर क्लीन एयर सर्वे 2023 की फहरिस्त में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। श्रीनगर को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश जारी। पुंछ के चिकन दबाग, खड़ी और गलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, 2 मुश्तबा अफराद की नजर आने की मुसद्दका इत्तला पर शुरू की गई मुहिम। एसओजी, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। वक्फ बोर्ड के नए ऑर्डर पर अल्ताफ बुखारी ने किया रद्दअमल जाहिर, कहा अगर इम्तहान होना है तो फिर पहले चेयरपर्सन का किया जाए इम्तहान। मीर वाइज और दिगर को भी रिहा करने की कही बात। युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का किया कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम, कहा तमाम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर योगेश सहनी ने सरोड टोल प्लाजा को फौरी बंद करने का मुतालबा किया।